यस स्टूडेंट, आज हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.5 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फ्लोइंग फंक्शन। आपको इसमें पोर्शन दे रखे हैं, तो पहला जो पोर्शन है उसकी अपन निकालते हैं फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की निकालनी है। ओके, तो गिवन फंक्शन क्या है, ये है, तो इसको अपन किसके इक्वल में लेट कर लेंगे, लेट f of x is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 10। ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डेस x के इक्वल में ये हो गया 6x square minus 30x plus 36। फोर टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डेस x की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मींस 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 के इक्वल में स्टूडेंट क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। 6 कॉमन लिया, इस साइड शिफ्ट किया, जीरो हो गया। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के इक्वल में क्या मिल गया आपको, जीरो। अब स्टूडेंट आपने छोटी क्लास में इसका फैक्टर सीखा होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल में क्या मिल गया आपको, जीरो। दैट मींस x की वैल्यू यहां से एक तो 2 मिल रही है और एक आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। ये अपने छोटी क्लास में सीखा था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट क्या बनेगा, f डबल डैश x के इक्वल में 12x माइनस 30। ओके, ये इसका f डबल डैश x आ गया। अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, जो अपने पास पॉइंट आया था, मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बताया था कि जो x की वैल्यू निकाली है आपने, वो इसमें पुट करेंगे। तो f डबल डैश x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर अपन चेक करेंगे। ओके, और इसमें पुट करेंगे 12 into 2 minus 30 is equal to minus 6, इसका मतलब minus u मिल रहा है। तो that means अगर minus u मिल रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट x is equal to 2 पर ये फंक्शन क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो therefore मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो अपन वो निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके, एट x इज इक्वल टू 2, तो इसमें पुट कर दो, तो फंक्शन आपको गिवन है f ऑफ 2 के इक्वल में 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10। ओके स्टूडेंट, तो f ऑफ 2 के इक्वल में क्या आएगा, 8, ये हो गया 8, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस आपका 10, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, कितनी आ गई, 38। अब अपन 3 पे चेक करेंगे। ओके, f डबल डैश x में क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 12 इंटू 3 माइनस 30 इज इक्वल टू आपको प्लस मिल रहा है 6, इसका मतलब प्लस 6 मिल रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इसमें पुट करो f ऑफ 3 के इक्वल में 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 और प्लस 10। That is f of 3 के इक्वल में स्टूडेंट क्या आएगा, 8, ये हो गया आपका 6, सॉरी ये हो गया 27 इंटू 254 माइनस 9 135 प्लस ये आपका हो गया 108 और प्लस 10, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 37। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, 37। तो स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ, अब देखते हैं इसका सेकेंड पोर्शन। यस स्टूडेंट, देखते हैं सेकंड पोर्शन, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। तो इसको अपन एफ एक्स के इक्वल में कंसीडर कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2
एक्स माइनस थ्री। अब स्टूडेंट इन तीनों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस आपका आ जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस में इलेवन एक्स और माइनस सिक्स। ओके, इस तीनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने मिल गया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। अब स्टूडेंट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स के इक्वल में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स और प्लस इलेवन। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स के इक्वल में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू जीरो। देखो स्टूडेंट इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो अपन डीएफ फॉर्मूले से इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो एक्स के इक्वल में प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस का था प्लस माइनस इसका स्क्वायर, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व का वन फोर फोर माइनस फोर ए सी। ओके स्टूडेंट अपॉन में क्या आ गया आपका, सिक्स आ गया। एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस माइनस कितना बच गया आपका, हो गया वन थर्टी टू, यानी कि 144 माइनस 132 और अपॉन में क्या आ गया, 6 आ गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां बच गया आपके क्या, कितना बचा आपके पास, यहां बच गया रूट 12 और अपॉन में 6। अब स्टूडेंट इसमें से अपन क्या लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। ओके 6, तो x के इक्वल में रूट 6 ले लेंगे, 12 प्लस माइनस रूट सिक्स कैसे लेंगे, देखो स्टूडेंट 12 को अपन ऐसे राइट कर सकते हैं रूट टू इंटू रूट सिक्स और अपॉन में क्या है 6, तो 6 को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स। क्लियर? अच्छा तो अब एक काम करते हैं, अगर रूट सिक्स कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहां क्या रहेगा आपके पास, बच जाएगा टू रूट सिक्स यहां तो, और आगे बचेगा प्लस माइनस का रूट टू और एक रूट सिक्स से आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसको अगर सेपरेट करते हैं तो स्टूडेंट अपने को क्या मिलेगा, ये इसके डाउन में आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस ये इसे थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन रूट थ्री मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये अपने को एक्स की वैल्यू मिल गई। क्लियर? ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एफ डबल डैश एक्स के इक्वल में सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, ये आपको क्या मिल गया, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहां से अपन क्या करेंगे, एक्स की एक बार तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ओके इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 और माइनस 12। इसको कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस 6 अपॉन रूट 3 माइनस 12, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया पॉजिटिव वैल्यू। दैट मींस अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो आप बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई रूट 3। ओके, तो ये पीछे का मैं ऊपर से थोड़ा रफ कर देता हूं। ओके, तो स्टूडेंट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वो अपने को चेक करनी है, तो ये वैल्यू अपन किस में पुट करेंगे, ओरिजिनल जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पुट करते हैं। तो एफ ओ एक्स की वैल्यू पुट कर देना इसमें, एक्स कितना है आपके पास, 2 प्लस 1 बाई रूट 2, 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 और 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 2 और 2 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, 2 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो आपका 1 रह गया, 1 प्लस 1 बाई रूट 3 और इनटू में 1 अपॉन रूट 3 और आगे क्या बच गया स्टूडेंट, 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 रह गया। ओके, अब एक काम करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और प्लस में 1 बाई रूट 3। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका
ओके, और ये आ गया 1/√3-1। अब स्टूडेंट इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, इसको पूरे के साथ करेंगे तो 1 आपका हो गया 3 और प्लस में 1/√3 और माइनस के साथ करेंगे तो माइनस का 1/√3 और माइनस 1/√3 ये आपका कैंसिल हो गया। क्लियर? अब इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, 3√3 आएगा। ओके, 1 टाइम जाएगा 1 और ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो आपको मिल गया यहां -2/√3। ओके स्टूडेंट, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -2/√3। अब अपन देखते हैं इसके सेकंड रूट्स पे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको नोट कर लें। सेकंड पोर्शन में अपन जो दूसरा रूट लेंगे वो माइनस का लेंगे स्टूडेंट। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू सेकंड जो डेरिवेटिव क्या था आपके पास, क्या था, f डबल डैश x के इक्वल में था 6x-12 था, और इसमें अपने को क्या पुट करना है, माइनस वाला रूट्स, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू आप 2-1/√3 पुट करेंगे। ओके, तो आ जाएगा 6 × मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं डायरेक्ट, तो ये आपका बन जाएगा 12-6/√3 और माइनस का 12, तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया -6/√3। इसको कैलकुलेट बस आपको डिसाइड करना है यहां कि साइन किसका रहा, प्लस का रहा है फिर माइनस का, तो यहां आपको क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है स्टूडेंट। तो दैट मींस ये फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ओके एट एक्स इज इक्वल टू 2-1/√3। ओके, ये ओरिजिनल फंक्शन में अपन पुट करेंगे, तो एक्स आप इसके रिप्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देना, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्स के रिप्लेस पे 2-1/√3 माइनस का 1 इंटू 2-1/√3 आपका -2 और 2-1/√3 और माइनस का 3 स्टूडेंट, यहां आपका प्लस का 1 रह गया तो 1-1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको अगेन माइनस का 1/√3 मिल गया, और यहां आपको क्या मिल रहा है, माइनस का ही मिल रहा है, -1/√3 और माइनस का 1। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, देखो स्टूडेंट अगर माइनस बाहर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और माइनस इधर लिख देता हूं। अब यहां से देखेंगे तो एक काम करते हैं, इसमें भी फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो गया, प्लस का, या फिर एक काम करो यहां माइनस रहने दो और मैं इनमें दोनों में से माइनस ले रहा हूं, इसमें से माइनस और इसमें से भी, इसमें से माइनस लूंगा तो ये हो जाएगा आपका ये, इसमें से माइनस लूंगा तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ओके, और इनटू में क्या गया, 1-1/√3, ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और माइनस में 1/√3। क्लियर? अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट आपको मिलेगा -1/√3। माइनस माइनस ये क्या हो गया आपका, प्लस कितना आएगा, 1/√3। एलसीएम लो इसका कितना आएगा, 3√3, तो ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 3, दैट मींस 2/√3। तो स्टूडेंट आपको इसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 2/√3। तो ये आपका सेकंड पोर्शन कंप्लीट। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। यस स्टूडेंट, देखते हैं पोर्शन नंबर सी, साइन एक्स प्लस कोस 2x। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस 2x। अब स्टूडेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x के इक्वल में साइन x का डेरिवेटिव cos x cos 2x का -2 sin 2x। अब स्टूडेंट वी नो दैट sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta, इसका फॉर्मूला होता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला अपन इसमें राइट करते हैं, f डैश x is equal to cos x -2 और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। ओके स्टूडेंट, अब इसमें से अपन क्या करेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे,
तो यहां से cos x कॉमन लिया, तो स्टूडेंट कितना रह गया यहां, 1 माइनस 2 टू जब 4 साइन x, ओके ये इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। फोर्थ क्रिटिकल पॉइंट या फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो f डेस x इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। तो देयरफॉर cos x इंटू वन माइनस फोर साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ गया। दैट मींस cos x के इक्वल में जीरो हो गया, cos x के इक्वल में जीरो हो गया, तो cos जीरो कब होता है स्टूडेंट, पाई बाई टू पर, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई टू। अब वन माइनस फोर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, जीरो, तो यहां से साइन x की वैल्यू क्या निकलेगी, वन बाई फोर। क्लियर, यहां से x की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू साइन इनवर्स 1 बाई 4 आएगी, ओके चलो अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, सॉरी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके स्टूडेंट इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल डेज x के इक्वल में cos x का तो माइनस साइन x बनेगा, और माइनस 2 है साइन 2x का, 2 cos 2x, दैट मींस f डबल डेज x के इक्वल में आ गया माइनस साइन x माइनस 4 cos 2x, ओके स्टूडेंट। अब जो अपने पास पॉइंट आए थे वो इसमें पुट करके देखेंगे, पहला पॉइंट लेते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि f डबल डेस x से एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपन ले रहे हैं, ओके तो पाई बाई 2 पे देखेंगे साइन क्या है, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस 4 कोस 2 पाई बाई 2, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो माइनस का 1, कोस पाई आपका माइनस 1 होता है, तो माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 मिल गया, इसका मतलब आपको क्या मिला, यहां 3 मिल गया, इसका मतलब यहां प्लस व्यू आ रहा है, तो प्लस व्यू का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में, तो ये इस पॉइंट का फंक्शन क्या है, मिनिमम है। तो अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ओके मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट, तो देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाई 2 पर क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 2 और प्लस कोस 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए स्टूडेंट, साइन पाई बाई 2 का मतलब 1 हो गया और कोस पाई का मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 0। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई यहां पर आपके पास 0, ओके स्टूडेंट। अब इसको मैं यहां से रफ करता हूं, क्लियर नीचे वाला कर देता हूं। अब स्टूडेंट अपने पास क्या बच गया, ये बच गया साइन इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो यानी कि आप क्या चेक करेंगे, इस पे भी चेक करेंगे, एफ डबल डेस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स 1 बाई 4। तो मैं काम करता हूं इसमें डायरेक्ट पुट करता हूं, कि अगर आप चाहो तो एक्स भी पुट कर सकते हैं तो भी आपको 1 बाई 4 ही मिलेगा स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्ट साइन एक्स की वैल्यू पुट करता हूं माइनस 1 बाई 4 माइनस 4। अब कोस 2x का फॉर्मूला बना लेंगे साइन में, कौन सा, 2 कोस सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओके तो अपने काम करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर x का मतलब हो गया 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 बाई 4 माइनस 4 और इनटू में 1 माइनस 2 अपॉन 16, तो 16 का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 8 हो गया, ओके अब स्टूडेंट इसको अगेन कैलकुलेट करते हैं, माइनस 1 बाई 4 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो 7 बाई 8, इसका मतलब ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, अपने को मिल गया माइनस 1 बाई 4 माइनस आपका मिल गया 7 बाई 2, तो इसका एलसीएम कितना है 2 सॉरी 4 आ गया, तो ये हो गया माइनस 1 और माइनस 14, दैट इज अपने को मिल गया माइनस 15 बाई 4,
इसका मतलब माइनस 15 बाई 4 मिल रहा है, तो स्टूडेंट ये फंक्शन क्या होगा आपका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की। ओके तो ये मैं इसका यहां से रफ कर देता हूं। अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालें स्टूडेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इजिकल टू साइन इनवर्स 1/4। ओके तो साइन एक्स की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाल चुके, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स का मतलब तो हो गया 1/4 प्लस कोस 2x को अपन राइट करेंगे 1-2 साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1/16। ये आपका 8 टाइम कैंसिल, तो ये आ गया 1/4 प्लस 1-1/8। ओके इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 अगेन आपका क्या मिलेगा 7/8, तो इसका एलसीएम आ गया 8, तो ये बन जाएगा 2 और ये हो गया 7 दैट इज 9/8। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट वो आपको मिलेगी 9/8। ओके तो ये इसका पोर्शन सी कंप्लीट। अब देखते हैं इसका डी पोर्शन। यस स्टूडेंट देखते हैं इसका फोर्थ पोर्शन, एक्स की पावर 5-5 एक्स की पावर 4 प्लस 5x³-1। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 5-5 x की पावर 4 प्लस 5x³-1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x के इक्वल में 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 और प्लस 15x² 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 दैट मींस 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 15x की पावर 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 5x² को मना रहा है, तो यहां रहेगा x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। दैट मींस अब इसके अपन क्या करेंगे फैक्टर, तो 5x² इसके फैक्टर क्या है स्टूडेंट, x - 3 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो अपने को x की वैल्यू एक तो 0 मिल जाएगी, यहां से 1 मिलेगी और आपको 3 मिलेगी। ओके स्टूडेंट तीन वैल्यू अपने को मिल गई। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। ओके f डबल डैश x के इक्वल में स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 20x³ - 60x² और प्लस 30x। अब स्टूडेंट अपन 0 पुट करते हैं तो 0 पे आपको क्या मिलेगा, यही पुट कर देते हैं, f डबल डैश x के इक्वल f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है क्योंकि सभी में x वेरिएबल है, तो x के रिप्लेस में आप 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब यहां क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है। और 0 से अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि पॉइंट क्या है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि इस पे नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। ओके आप चाहो तो यहां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं स्टूडेंट, आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे दैट इज माइनस में जाएंगे और एक 0 के आगे जाएंगे 0.1 ले लेंगे, इधर आप क्या ले लेंगे माइनस में ले लेंगे, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 0 वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके तो इसको इतना ही करना है। अब चलते हैं अपन 1 पे, तो f डबल डैश x से एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अब 1 इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट तो आप सीधा इसको कैलकुलेट कर दो, 20-60 और प्लस 30, तो यहां से आपको माइनस का 10 मिल रहा है दैट इज माइनस व्यू मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये पॉइंट है ये आपका क्या होगा मैक्सिमम होगा। ओके तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो अपन फाइंड कर लेंगे। ओके 1 पे होगा 5 की 5
1 की पावर 5 1 होगा, माइनस 5 इंटू 1 5 होगा, प्लस 5 इंटू 1 5 और माइनस 1। स्टूडेंट आपको क्या मिल रही है यहां से, 0 मिल रहा है। ओके, यानी कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको यहां से क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ओके, अब बात करते हैं 3 की। f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे। तो स्टूडेंट अपन 3 किस में पुट करेंगे, जो आपने दो बार डिफरेंशिएट किया था उस फंक्शन में पुट करेंगे। तो 20 इंटू 3 की पावर 3 और माइनस 60 इंटू 3 का स्क्वेयर और प्लस 30 इंटू 3। अब स्टूडेंट इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया ये 27, तो 27 ये हो गया 540 और 9 अगेन आपका 540 और प्लस आपको क्या मिल गया 90। ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 90, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस अगर प्लस साइन आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो उस केस में स्टूडेंट अपन उसको मिनिमम पॉइंट बताते हैं। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये क्या हो गया, मिनिमम। अब अपन निकालते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू आपका कितना था 3। ओके, तो इसमें अपन पुट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 और प्लस 5 इंटू 3 का होल क्यूब माइनस 1। अब 3 की पावर 5 का मतलब स्टूडेंट हो गया 243 माइनस 81 आपका बन गया 405 और प्लस ये कितना बन गया आपका 135 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया 68 आपका 82 माइनस का। ओके स्टूडेंट, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, क्लियर। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -28। ओके, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी स्टूडेंट वो आपको क्या मिल रही थी, आपको 1 मिल रही थी। तो ये आपका पोर्शन नंबर डी कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो ये टाइप 2 क्वेश्चन है, मैंने एग्जांपल में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मोड नहीं था, वो आपके स्क्वायर के फंक्शन थे। ओके, तो चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड में फर्स्ट पोर्शन। ओके, सॉल्यूशन ए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 3। स्टूडेंट वी नो दैट कोई भी मोड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर मैं इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये आपने इन इक्वेशन में सीखा था। दैट मींस अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 भी क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब अपने बात किसकी करनी है, फंक्शन की। तो इस फंक्शन में क्या ऐड है, 3, तो अपन 3 दोनों साइड ऐड कर देंगे। ओके, एडिंग 3 बोथ साइड्स। ओके, तो ये आपका बनेगा माइनस ऑफ मोड एक्स प्लस 1 और प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 में 3 ऐड करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब स्टूडेंट ये आपका हो गया फंक्शन, यानी कि f ऑफ x आपका क्या बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, और मिनिमम वैल्यू अपने को पता नहीं कहां तक जाएगा, क्योंकि पहले क्या लगाओ मोड से माइनस, तो मिनिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइन। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3 और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइन। ओके, तो ये आपका पोर्शन नंबर ए हो गया। सिमिलरली बी की बात करते हैं, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। वी नो दैट मोड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर मोड एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब इसमें माइनस 1 ऐड करना है तो दोनों साइड क्या कर देंगे, माइनस 1 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 2 माइनस 1, 0 में माइनस ऐड करूंगा तो आपका माइनस होगा। तो स्टूडेंट ये आपका फंक्शन हो गया।
एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। अब देखो स्टूडेंट, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है ओके, वो क्या है आपके पास माइनस वन। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज माइनस वन। अब देखो स्टूडेंट, मोड लगा हुआ है, इसमें अगर माइनस पुट करूंगा तो भी प्लस रहेगा, अगर जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे चाहे प्लस में करो चाहे माइनस में, तो इसका ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा और कहां तक जाएगा ये अपने को पता नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू तो माइनस वन रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइन ओके। तो ये इसका पोर्शन सेकेंड कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं थर्ड पोर्शन। थर्ड पोर्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है ओके, तो इसको भी अपन देखते हैं। सी पोर्शन, सी पोर्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन फोर एक्स प्लस थ्री। अब स्टूडेंट, वी नो दैट साइन फोर एक्स की जो रेंज है वो वन और माइनस वन के बीच में रहती है या फिर इसके इक्वल रहती है ओके। अब आपने को फंक्शन में क्या दे रखा है थ्री, तो इसमें मैं थ्री ऐड कर दूंगा ओके, थ्री ऐड कर दूं दोनों साइड, तो ये थ्री प्लस माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल्स टू वन प्लस थ्री। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को बनाने के लिए थ्री ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट अपने पास क्या बच गया, टू लेस देन इक्वल्स टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल्स टू फोर। अब अपने को मोड चाहिए, तो इसका टेकिंग मोड, मोड लेने पर टू का मोड तो टू ही रहेगा और ये आपका बन जाएगा मोड साइन फोर एक्स प्लस थ्री और ये आपका फोर, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव नंबर का मोड पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव में फर्क पड़ता है इस पे ओके। तो ये आपका फंक्शन हो गया टू लेस देन इक्वल्स टू एफ ओ एक्स लेस देन इक्वल्स टू फोर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टूडेंट आपकी फोर, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी टू ओके। यानी कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो फोर है और मिनिमम वैल्यू क्या है टू है, क्लियर। चलो देखते हैं इसका डी पोर्शन। डी पोर्शन की डी सेम है, तो अपन क्या करते हैं, वी नो दैट, सीधा ही करते हैं अपन इसको, कि साइन टू एक्स ऑलवेज, साइन टू एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। प्लस फाइव ऐड कर देंगे, तो प्लस फाइव ऐड कर दो, फाइव माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू साइन टू एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा वन प्लस फाइव, और ये अपन किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, एफ एक्स के इक्वल ओके। तो ये तो आपका हो गया एफ एक्स, इधर बच गया फोर, फोर लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्योंकि फंक्शन बन गया, और लेस देन इक्वल्स टू आपका सिक्स ओके। तो इससे आपको पता लग रहा है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो स्टूडेंट सिक्स होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी फोर होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ओके, यानी कि मोड के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप ये अप्रोच इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये आपका सेकेंड जो क्वेश्चन था वो आपने कंप्लीट किया। नोट इट, स्टूडेंट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपको इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट। तो पोर्शन फर्स्ट को देखते हैं, ए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस 107 ओके। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 24 ओके। फोर मैक्सिमम एंड मिनिमम, एफ डेज एक्स के इक्वल में क्या होगा स्टूडेंट जीरो, दैट मींस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल में जीरो, और सिक्स एक्स स्क्वायर इक्वल 24 ये आपका कैंसिल, एक्स स्क्वायर के इक्वल में फोर आ गया और एक्स के इक्वल में एक तो माइनस टू आएगा और एक्स के इक्वल में एक आएगा प्लस का टू, बट माइनस टू इस इंटरवेल में लाइक नहीं करता, इसलिए अपन माइनस टू को कंसिडर नहीं करेंगे। अब अपने पास देखो स्टूडेंट 1, 3 है, तो इसके बीच में 2 लाइक करता है, तो 3 पॉइंट हो गए अपने पास, तो तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे। एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, 2 माइनस 24 और प्लस 107, तो ये आपका कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 85 मिलेगा आपको ओके।
अब 2 की बात करते हैं, ओके 2 पे क्या बनेगा, 2 इंटू 8 टू की पावर 3 8 माइनस 48 प्लस 107, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट 16 माइनस 48 प्लस 107 तो ये आपका रह गया 75, ओके कितना आएगा 75। अब स्टूडेंट अपन देखते हैं एफ ऑफ 3 पर, एफ ऑफ 3 पे बनेगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो एफ ऑफ 3 के इक्वल में आएगा स्टूडेंट 2754 माइनस 72 प्लस 107 आपका बन जाएगा 89। अब स्टूडेंट आपके पास तीन वैल्यू पे अलग अलग आपको वैल्यू मिल रही फंक्शन की, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की वो 89 होगी और मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की क्या रहेगी 75, ओके तो मिनिमम वैल्यू क्या रही है 75 और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या रही 89। तो ये हो गया आपका पोर्शन नंबर ए। अब अपन सोल्व करते हैं पोर्शन बी को, ओके तो बी पोर्शन देखो, बी से भी यही प्रोसेस करना है आपको, तो लेट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ओके फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम दैट मींस f डेस x इज इक्वल टू आपको 0 मिलेगा, तो 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसमें से 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो 6 कॉमन लेंगे तो आपका 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट आपका 0 हो गया। अब यहां से इस दो एक्सप्रेशन में, इन दो टर्म में आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो यहां रहेगा 2x माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन आपका क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 2x माइनस 1, ओके और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू एक तो आपके पास आ गई हाफ और एक x की वैल्यू आ गई यहां से प्लस माइनस 1, ओके क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 मिल रही है, बट आप यहां देखेंगे कि माइनस इसमें लाई करता नहीं इसलिए अपन x की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, ओके x की क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। अब अपन इस वैल्यू को पुट करेंगे देखेंगे किस वैल्यू पे फंक्शन हाईएस्ट है, 0 की बात करेंगे तो फंक्शन 0 पे आपको क्या मिल रहा है 1 मिलेगा क्योंकि सभी में x है ये कांस्टेंट टर्म है तो 1 का 1 रह जाएगा। अब अपन बात करते हैं हाफ की, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हाफ, तो हाफ पुट करके देखो 3 इंटू 1 बाई 2, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट 16 और माइनस 2 अपॉन 8 हो गया और माइनस 6 अपॉन आपका 4 हो गया और प्लस 6 अपॉन 2 और प्लस 1 बाई 1, ओके स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेंगे आपको क्या मिलेगा 16, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आपका बन जाएगा 24 और प्लस 48 और प्लस 16। अब स्टूडेंट माइनस की जो टर्म है वो देखो, ये 4 प्लस 24 28 हो गया तो यहां प्लस का 20 और 36 और 36 प्लस 3 39 अपॉन 16 आपको मिल गया हाफ पे। अब 1 पे अपन चेक करेंगे एफ ऑफ 1 पे, एफ ऑफ 1 पे आपको 3 मिल रहा है, 2 माइनस 6 प्लस 6 और प्लस 1, प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया और देखो स्टूडेंट 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 आपका लेफ्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, क्लियर। अब अपन देखेंगे 2 पर, 2 पर फंक्शन की वैल्यू देखो 2 की पावर 4 का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया 16, 16 3 जा 48 और माइनस 8, 8 2 जा 16 माइनस 4 24 और प्लस आपका हो गया 12 और प्लस 1। अब स्टूडेंट ये आपका कितना मर गया देखो 24 प्लस 16 40 तो 8 प्लस 9 9 और 12 21। अब फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या स्टूडेंट, फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आपकी 21 रहेगी, ओके और अगर लीस्ट वैल्यू की बात करूं
स्टूडेंट ये तो देखो इसमें डिवाइड देंगे तो अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट क्या आएगा। ओके तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो आपको मिल गई 21 और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या मिल रही है आपको +1। ओके तो ये इसका दूसरा पोर्शन हुआ। अब देखते हैं इसका थर्ड पोर्शन। यस स्टूडेंट देखते हैं इसका पोर्शन सी। सी आपको देखा x plus sin 2x, x belongs to 0, 2π, तो let f of x is equal to x plus sin 2x, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डेस x के इक्वल में 1 plus 2 cos 2x, ओके फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो आपको f डेस x के इक्वल में क्या मिलेगा 0, तो देयरफॉर 1 plus 2 cos 2x is equal to आपको मिल गया 0। यहां से cos 2x के इक्वल में कितना आएगा स्टूडेंट, cos 2x के इक्वल में आएगा -1/2। अब स्टूडेंट देखेंगे कि cos 2x के इक्वल में -1/2 है, दैट मींस कितने डिग्री की वैल्यू हो गई है इसकी, 60 की, यानी कि को माइनस ऑफ cos π/3। अब स्टूडेंट अपन देखेंगे कि ये जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है तो अपने को x की वैल्यू चाहिए यहां से, तो cos 2x के इक्वल में देखो कहां कहां पॉसिबल हो सकता है 0 और 2 पाई के बीच में, ये cos पाई माइनस पाई बाई थ्री पे पॉसिबल हो जाएगा, एंड दूसरा आपका बनेगा cos पाई प्लस पाई बाई थ्री पे पॉसिबल होगा, ओके cos 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री पे पॉसिबल होगा, और एक और हो जाएगा इसका cos 3 पाई प्लस पाई बाई थ्री पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट अब इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो अपने को x की वैल्यू मिलते जाएंगे, ये सब 2x के इक्वल में है स्टूडेंट। अगर मैं इसके एंगल को देखता हूं तो 2x की बात कर रहा हूं अभी, तो यहां से cos 2x के इक्वल में एक एक वैल्यू लेते चलूंगा स्टूडेंट, एक बार इसको देखता हूं तो cos 2x के इक्वल में 3 में से गया तो आपको मिल गया cos 2 पाई बाई थ्री, तो यहां से cos 2x के इक्वल में अपने को एक वैल्यू मिल गई 2 पाई बाई थ्री। सिमिलरली इसके इक्वल में पुट करता हूं तो 3 प्लस 1 4 पाई बाई थ्री मिल रहा है, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई बाई थ्री। नेक्स्ट मिलेगी 9, 9 में से 1 लेफ्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी 8 पाई बाई थ्री। कोस का कंपैरिजन कर लिया क्योंकि इससे कोस से कंपैरिजन करेंगे तो कोस हट जाएगा, सभी में ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये हो गया 9 प्लस 1 आपका 10 हो गया, 10 पाई बाई थ्री। अब यहां से x की वैल्यू निकालें क्योंकि क्वेश्चन में x बिलोंग करता है 0 से 2 पाई के बीच में, तो एक काम करते हैं दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देंगे तो x के इक्वल में स्टूडेंट अपने को मिल जाएगा पाई बाई थ्री, इधर मिलेगा 2 पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा 4 पाई बाई थ्री, और आगे वाला हो जाएगा 5 पाई बाई थ्री। ये सारी जो x की वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ओके स्टूडेंट तो अब बात करेंगे, दो वैल्यू तो अपने पास थी, 4 वैल्यू और आ गई, तो f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ओके 0 पे क्या बनेगा, 0 प्लस साइन 0 0 ही होगा, तो f 0 में तो आपको 0 ही मिल रहा है। उसके बाद करते हैं पाई बाई थ्री की, f ऑफ पाई बाई थ्री की बात करेंगे स्टूडेंट, पाई बाई थ्री पे बनेगा पाई बाई थ्री और प्लस साइन 2 पाई बाई थ्री। ओके स्टूडेंट तो साइन 2 पाई बाई थ्री का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो इसको बोलते हैं 2 पाई बाई थ्री, यानी कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया साइन 60, तो इसको अपन बोल देंगे पाई बाई थ्री प्लस साइन 60 होता है √3/2। ओके स्टूडेंट तो ये हो गया साइन पाई बाई थ्री पे इसकी वैल्यू ये आ गई। अब सिमिलरली अपन निकालेंगे 2 पाई बाई थ्री पे, 2 पाई बाई थ्री पे देखेंगे स्टूडेंट तो अपने को मिलेगा 2 पाई बाई थ्री और प्लस 2 × 4 साइन 4 पाई बाई थ्री पे, तो 2 पाई बाई थ्री तो कॉपी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का √3/2। सिमिलरली अपन बात करेंगे 4 पाई बाई थ्री की, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पाई बाई थ्री प्लस 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, तो साइन 8 पाई बाई थ्री अगेन आपको प्लस मिलेगा, तो पाई बाई थ्री प्लस आपका √3/2 मिल जाएगा। ओके अब बात करते हैं आपकी
5 पाई बाई 3 की स्टूडेंट, तो 5 पाई बाई 3 पे 5 पाई बाई 3 प्लस आपका ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3, अगेन आपको प्लस ही मिलेगा 2 पाई बाई 3 प्लस रूट 3 बाई 2। और बात करते हैं अपन 2 पाई की स्टूडेंट, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 पाई, और साइन पाई के जब भी मल्टीपल में होते हैं स्टूडेंट आपको 0 मिलता है। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला स्टूडेंट, इस पे तो कोई डिस्कस लेकर ले रहा है, तो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से ही पता करना है। तो स्टूडेंट ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ओके स्टूडेंट, ये इसकी क्या होगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब 2 पाई पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके स्टूडेंट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि x plus sin 2x की जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपकी रह गई 2 पाई, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका पोर्शन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। यस स्टूडेंट, डी पोर्शन देखते हैं, x cube minus 18x square plus 96x, तो let f of x is equal to x cube minus 36x 3x square, sorry। यस स्टूडेंट देखते हैं डी, यस स्टूडेंट देखते हैं डी पोर्शन, डी पोर्शन है आपका लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, और x लाई करता है 0 से 9, तो इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, ओके मैक्सिमम मिनिमम के लिए f डैश x के इक्वल में 0, तो देयरफॉर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 96 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू आपका 0, 3 0 की शिफ्ट 0 की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके अपन फैक्टर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, दैट मींस यहां से x माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस 8 के इक्वल में आपको स्टूडेंट 0 मिल जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू एक तो यहां 4 मिल गई, एक आपको 8 मिल गई, दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब अपने को क्या करना है, इसमें पुट करना है, ओके। तो f ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, आपको 0 ही मिलेगी क्योंकि सारी एक्सप्रेशन में आपको x गिवन है। f ऑफ 4 की बात करते हैं, तो f ऑफ 4 का मतलब 4 का क्यूब माइनस 18 इंटू 4 का स्क्वायर और प्लस 96 इंटू 4, ओके स्टूडेंट। तो 4 का क्यूब स्टूडेंट कितना होगा 64, f ऑफ 4 के इक्वल में हो गया 64 और माइनस 16 इंटू 18, तो स्टूडेंट आपका ये बनेगा 288 और प्लस इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना बनेगा 24 और ये बन जाएगा आपका 2438। अब इसको अपन ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 आपके इक्वल में आ जाएगा 160, ओके। तो f ऑफ 4 पे इस फंक्शन की वैल्यू आ गई 160। अब अपन बात करते हैं किसकी, 4 के बाद 8 और पुट करते हैं, ओके। 8 पे फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी, 8 का क्यूब माइनस 18 और इंटू 8 का स्क्वायर और प्लस 96 इंटू 8। तो स्टूडेंट 8 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, आपको पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512 और माइनस ये हो जाएगा 18 इंटू 64 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और 60, ओके। तो आगे इसको और कैलकुलेट कर लो, 112 और 18 प्लस 64 को मल्टीप्लाई करके देख लो आपको 1152 मिलेगा, ओके, और प्लस 768। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिल जाएगा यहां 128, ओके। अब f ऑफ 9 पे ये सब आपको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए फटाफट। अब इसमें पुट करेंगे तो 9 की क्यूब और माइनस 18 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 96 इंटू 9, ओके स्टूडेंट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 की क्यूब 1729 होती है स्टूडेंट और माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 81 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 864, क्लियर। अब इसको और मल्टीप्लाई करो, 729 माइनस 8 आपका आ गया 854, ये हो गया, और प्लस में 864।
अब स्टूडेंट इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा यहां 135। तो स्टूडेंट देखो इसमें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फंक्शन की जो हाईएस्ट वैल्यू है स्टूडेंट वो आपको मिलेगी 160। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इसकी 160 हो गई और इसकी मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट क्या हो गई, जीरो। तो ये आपका पोर्शन नंबर डी कंप्लीट। ओके स्टूडेंट।